फाइनली बेम्बू का वॉल बन के पूरा रेडी हो चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नया वीडियो पर था सुबह सुबह। तो सुबह सुबह ना दोनों मिस्त्री पहुंच चुके हैं और ये तो आधा बन चुके हैं, तो आई होप कि आज ये पूल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेम्बू का कटिंग चल रहा है, दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं, इसको पानी पिला रहे हैं। ये कम्प्लीट बस ये बाकी है, ये तो शाम तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए मेरा हिसाब से। और कल ना एक ही दिन में 3 फिनिश किए हैं, आज तो आराम से 1 फिनिश कर देंगे। एक्सपर्ट ना कल अकेले था, फिर भी खत्म किए हैं। आज तो 2 आदमी है, यह आराम से बहुत ही जल्दी खत्म कर पाएगा, फिनिश कर पाएगा भाई। जैसे काटता है लकड़िया, हमको बहुत डर लगता है लकड़ी वो बेम्बू से, क्योंकि काफी वो सार पता ना, ये ऐसे काटना पड़ता है भाई। टोपी पहना, टोपी ये वाला टोपी पहना, इस तरफ टोपी हो गया, वो वाला बस बाकी है, तब टोपी पहन के कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर एक तो बस किचन के लिए बनेगा छता करके, और यहाँ पर वो बर्तन वगैरह सफाई के लिए इसमें बनेगा एक, तो ये तो गिर जाएगा यार। और इसको पूरा बंद कर दूंगा, और ये तो बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ से आएगा ना, वहाँ से आएगा इसमें, यहाँ तक बनेगा आराम से किचन हुआ। और यहाँ पर ताली बर्तन सफाई करने का घर है इसमें। और यहाँ पर सुबह सुबह 100 रुपये का मछली लिए हैं, वाइप हुआ सफाई, पूरा फ्रेश फ्रेश है। जो हम लोग भरा भरा मछली खरीद के लेके आते हैं ना, वो दवाई डाला हुआ है, और ये तो दवाई नहीं डालता है। वो जो एक तो चाचा आता है बिहार से है, वो यहाँ पे मछली मारता है छापरा से, पता नहीं वो कहाँ से, बस पता है मुझे बिहार से। मछली आधा किलो, किलो 200 मात्र, ओनली 200 का लोकल मछली। और मिस्त्री लोग को मतलब चौकी तरह खा कर रहेंगे, और मेरा सर्दी हुआ है। और जाएंगे कभी दिन हम लोग फिशिंग के लिए, पहले मोबाइल लेते हैं भाई, बढ़िया सा एक आईफोन लेते हैं। मैं पैसा मतलब जमा कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, तो उसके बाद कुछ प्लान करेंगे, जंगल पे जाके कैंपिंग करेंगे, उसके बाद में बढ़िया सा कैंपिंग लूँगा मैं। और उसके बाद मेरा दोस्त लोग आ जाएंगे झारखंड से, उसके बाद एडवेंचर होगा यार। सनातन भाई आएगा, आर्यन आएगा, हमारे घर पे रहेगा यहाँ पर। यह है लोहा का सीढ़ी, तो कटिंग हो रहा है भाई कटिंग। ये वाला तो बिक रहा है, क्योंकि ये नहीं बिकते हैं, ये वाला बिकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको बढ़िया से वॉश कर देंगे, उसके बाद ओके हो जाएगा। और यहाँ पर सब जमा रख रहे हैं, अब ये तो पूरा स्ट्रांग हो गया यार। और मैं लाइट के लिए व्यवस्था भी करूँगा यहाँ पर, अभी तक तो मैं लाइट का कनेक्शन नहीं लिया, हमें ये घर बनने के बाद लाइट का कनेक्शन ले लूँगा मैं। और ससुर जी का घर ना सीधा वायर भी साइकिल में खींचता हूँ यहाँ पर, धीरे धीरे कर दूंगा सब मैनेज कर लूँगा। सो दोस्तों, आप जब भी मतलब लाइट के कनेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को ना वो घर दिखाना पड़ते हैं, इसलिए तो मैं लाइट की कनेक्शन नहीं ले रहा हूँ। तो अभी तो आराम से ये बनने के बाद मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को अपना घर दिखे पाऊँगा तो दे देंगे, लेकिन सोलर बिजली से आराम से काम चलते हैं बिंदास करके नॉन स्टॉप।
बेम्बो का बीस पूरा सफ़ेद होते हैं व्हाइट, तो यहाँ पर ऐसा वाला होते हैं ये वाला, तो इसको काट कूट कर निकलना पड़ता है। और दोस्तों काफ़ी सारा कमेंट आता है कि वो लोग का ट्राइप्स ना ऐसे वाला घर एक ही दिन में कंप्लीट होते हैं बोल रहा था काफ़ी लोग। हाँ ये बात भी सही है, तो हमारा यहाँ पर भी तो एक ही दिन में कंप्लीट होता है ये वाला, तो हमारा गांव के लोग भी तो सब के सब यूनिटी होते हैं। और एक्चुअली में ना वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो बस एक ही वीडियो मिलेगा। और मैं ये दिया हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दिया हमें और यहाँ पर, तो वह जितना दिन का अंतर में हो वो बढ़ा सकता है उसका मर्जी, कितना भी दो ले तीन ले वो एक्स्ट्रा मिस्त्री हायर करे उसका मर्जी। तो हमारे गांव के लोग भी तो एक ही दिन में फिनिश करके तैयार करते हैं ऐसा वाला घर। और पिताजी का और मेरा जितना भी रिश्तेदार रहता है ना, पिताजी का लाइन का या और ससुर जी का लाइन का जितना भी रिश्तेदार है सब के सब मुझे बुलाया कि एक ही दिन में ख़त्म करने के लिए, तो मैंने मना किया, हाँ मत करो ऐसा, ज़रूरी नहीं है ऐसा, मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद हायर कर लूँगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। और ऐसा हायर करने से ना पैसा भी मिलेगा दूसरा को, मतलब फैट भी बढ़ेगा, कमाई भी होगा, तो एक ही बार में ख़त्म करेंगे तो बस कितना 4-5 हज़ार में ख़त्म हो जाएगा एक ही बार में। और बस ये पिला दो चिकन मछली के साथ फॉक के साथ खाने के बाद बस 4-5 हज़ार उतर जाएगा। तो मैं तो उससे बेहतर समझा कि मैं ऐसे करके दूँ, ऐसे करके देने से ना वो जो बनाएगा उसको भी ये मिलेगा और प्लस मुझे काफ़ी सारा वीडियो मिलेगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा, जो बनाते हैं उनका भी प्रॉफिट होगा। इसी का वजह से मैं नहीं दिया हमें एक ही दिन में फिनिश होने के लिए। और अभी चलते हैं हरपुम बाबा के घर में, तो वहाँ पर ना वो पुनीम जी ने इतने ओर से वो अचार भेजा है, तो वो शीश चलते हैं लेने के लिए, फिनिश करने के लिए, देखते हैं कि इतना तीखा है। काल जीरी ने खोल करके बोला था कि वो बहुत स्पाइसी है यार, पूरा स्पाइसी, देखते हैं गाइस कितना स्पाइसी होता है वो वाला चटनी। पहुंच गया मैं बाइक के यहाँ पर, एक वाला क्या बच्चे मेन रोड में घूम रहा था तो मेरा बाइक की आवाज़ को पहचान लिया था, तो मेरा पीछे पीछे आ गया, पूरा थक गया। गाबुची गाबुची जवान हो गया, गाबुची हेलो 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 हेलो। तो अरे यार कहाँ करता है तू? अचार वा लेने के लिए आया हूँ, अचार वा, अचार वा ये हाँ। पुमिन दीदी ने भेजा है, ओके हाँ। फिनिश करने के लिए, फिनिश करने के लिए हमारे लिए एक, आपके लिए एक, थोड़ा देखो। अरे भाई बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, आजकल तो पूरा दिन भर दिन ब्यूटीफुल होते जा रहा है, पूरा गोरा हो गया, गोरा हो गया हाँ। मेरा कैमरा में तो लेकिन गोरा कहाँ है? कौन सी प्रोडक्ट लगाते हैं पता है? मालूम नहीं, हम कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाते आजकल, प्रमोशन हो जाएगा ना इसलिए बोलता नहीं लग रहा, कुछ लगाता होगा। ये हैंडसम तो कौन सा प्रोडक्ट लगाता है इसको पूछो, कौन सा लगाता है? हाँ इसका तो पूरा रिवील कर देता है जो भी लगाता है ये, ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक वाला। ओए ओ देखो ओ देखो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, छोटा चिकन कब आएगा? इंतजार है छोटा चिकन का। तो इसको भी स्ट्रांग करके बना दिए हैं यहाँ पर, ये चिली तोक तोक के ये बोला स्ट्रांग हो गया है, और इसमें काफ़ी सारे बेम्बू फाड़ फूड़ के रख चुके हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर वॉल बनाने के लिए, तो आई होप के ये शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और गैस रिसेंटली ना अभी जस्ट आधा घंटा पहले बहुत भयंकर से बारिश हुआ था, इसलिए पूरा गीला गीला है, अभी फिर से धूप हो रहा है यहाँ पर, और ये बनने का मजा आएगा गैस। सो फाइनली आ चुका है लकड़ी, और इसे हम लोग खरीदा है, हम लोग मंगाया था क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना चूल्हा बनने वाला है, इसमें जितना भी लकड़ी है सब 2500 रुपये का है, जितना महंगा नहीं, हम लोग का ना लकड़ी का वो घर में, तो उसमें एक तो बनेगा वो मिट्टी का चूल्हा, तो लकड़ी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, गैस को इस्तेमाल इतना नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर रखते हैं, ले जान, ले जान,
लोग खाना भी खा चुके हैं और फूफा जी लोग भी खाना खा के आ चुके हैं। आज तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत स्पीड से बन रहा है ये। हम लोग ऐसे कहते हैं बरसागा, और ऐसे पता नहीं हिंदी से खा कहते हैं, मुझे पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है। जो भी हो, गलत है या सही हो, मैं इसे बोलूँगा वाल, बोलूँगा बेम्बू का वाल, बेम्बू से काट कूट के बनाता नहीं। और कंप्लीट होने के बाद मस्त आएगा। इतना बड़ा रूम काफ़ी है, ये बस व्यस्त रहने के लिए ये रूम, और यहाँ पर तो किचन बनेगा, और यहाँ पर सामान रखने के लिए ओनली, इसके लिए दाग देंगे और यहाँ तक, और यहाँ पर कुछ रेजिंग दे देंगे, रेजिंग बोलता है, और पानी जितने भी आता है ना, ये बारिश का पानी, ये दोनों घर का, तो ये पानी में पता नहीं किस तरह, इस तरफ फेंक दूंगा, इस तरफ फेंकूंगा, नहीं तो इस तरफ फेंक दूंगा मैं पानी। इसके बाद इसे मैं रंग लगाने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया काम करते हैं, पूरा मस्त मस्त, इसलिए पूरा गांव पर काफ़ी सारा मिस्त्री है, इसलिए मैं इसको हायर किया हूँ। मैं अंदर अंदर बन रहा है, ये हो चुके हैं, तो आज वो भी हो जाएगा। हमारे गरवा भाई, हमारे गरवा, ये तो खत्म होने वाला है, फिनिश हो जाएगा। थक गया, लग गया ये काम पे। ओह, ये सीचना बहुत वो शार्प होते हैं, लगने से खत्म, हाथ अंगुली खत्म हो जाते हैं। बैम्बो के घर, ये तो बोले तो एक रूम है, ये ओनली वन रूम, स्पेशली मुझे भाई को बहुत पसंद है ऐसा वाला वो बैम्बो का घर। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके बनते हैं इसको तरह। और हाँ, ऊपर और यहाँ पर टिम्बर लगाते हैं इसको चिपकने के लिए, हो जाएगा बस 10-15 मिनट में कंप्लीट। यहाँ पर दरवाज़ा रहेगा किचन पे आने के लिए, और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा रहेगा, तो यहाँ पर वो बस थोड़ा सामान रखने के लिए। और वो अंदर में घुस गए हैं, देख रहे हैं मिस्त्री बाबू को। लकड़ी का घर, सो रहा नहीं जा रहा यार, ऊपर में छर के देखते हैं हमारे बेम्बू के घर पे घुस के, इसको सफाई करने का बढ़िया हो जाएगा। आप तो लग रहा है ना घर जैसा, लेकिन यहाँ पर बाल नहीं है, सिर्फ इसमें बाल है। बहुत फास्ट बना दिया, वेरी वेरी फास्ट। बन गया, फाइनली बन के कंप्लीट हो गए हैं। तो भाई इतना जल्दी, इतना जल्दी अकेले, मतलब दो आदमी का काम करते हैं। बस यहाँ पर ओनली वन पीस चाहिए, और यहाँ पर ऐसा करके लकड़ी चिपका देंगे, उसके बाद हो जाएगा ये काम। सो फाइनली बन के तैयार हो चुके हैं, बस वहाँ पर एक ही चाहिए, तो उसको दूसरे से चिपका देने से हो जाएगा, और बस ओके। और फेंडिंग रहेगा ओनली
हेयर स्टाइल टोपी टोपी वाला हमारा गरबा एक्चुअली ना ये बारिश में बिक रहा था कई दिनों से, इसलिए ये थोड़ा खतरा लग रहा है, तो बढ़िया से इसको बिगे हुआ खपरा से वो पोछा मार देंगे तो ऑटोमेटिकली चमकेगा, ऐसे ही चमकेगा ना। हो गया बन के तैयार हो चुके हैं, अभी इसका काम भी कर रहे हैं ऊपर का काम। लकड़ी का घर काफी ठंडा होता है, बेम्बू का घर, बेम्बू को निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ पर टिम्बर घुसा देंगे इसमें। यहाँ से एक बेम्बू निकाल दिए हैं और यहाँ पर टिम्बर डाल लेगा टिम्बर वाह, ताकि स्ट्रांग हो सके। बेम्बू तो इतना लास्टिंग नहीं करते हैं, ये बहुत लास्टिंग करते हैं इसलिए, और काफ़ी कीमती होता है ये भी। तेरा बोल रहा है वाह का टेक्निक है यार सीनियर मिस्त्री, सीनियर मिस्त्री। इसका बिस्तर दिया अंदर में तो टाइट कर रहे हैं। पूरा परफेक्ट हो गया, 6 इंच का वो किले चाहिए, उसके बाद और भी स्ट्रांग होगा, 6 इंच का डाल देगा इसमें, 9-2 इंच, 9-4, 9-5 ओनली 6 इंच लाएगा इसमें, 6 इंच का किल ठोक रहे हैं। बंद कर रही है अंदर का तो बंद गए हैं, अंगुली खत गए बोल रहे हैं, तो ये लग गया आयरा यहाँ पर बना रहे हैं। तो बेम्बू का वाल तो यहाँ पर देने के लिए, तो कल परसों ये तो कटिंग बनेगा, सिलाई बनेगा हेयर, मतलब बढ़िया से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तकला है गंजे है ये वाला छत में, तो वाला छत तो हो चुका है ताकि चोर आ ना पाए, तो यहाँ पर बढ़िया से इसमें वो कील ठोक दिए हैं। कैसे घुसेगा इधर में चोर, घुसेंगे तो हम लोग जा जाएंगे ना, टंग टंग करेगा आवाज़, ये बहुत लगा दिया वहाँ पर कील लंबा लंबा पूरा 4-4, 5-5 इंच का, इसको ही बनेगा। बेम्बू का सब बहुत स्ट्रांग है यार, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये कमजोर है, स्ट्रांग है भाई, स्ट्रांग और भी ड्राई होने के बाद स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे ही देखा रहते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद बेम्बू का घर, हमारे बेम्बू का घर, बांस के घर,
बर्न हो गया पानी, सिर्फ चिकन ही घुस पाएगा, इंसान तो घुस नहीं पाया, घुसने के लिए टाइम लगेगा। तो फाइनली वॉल पूरा कम्प्लीटली बन चुके हैं, लेकिन ये वाला बाकी है थोड़ा सा, ये तो दरवाजा है और ये भी हो चुके हैं और ये भी बन चुके हैं भाई। तो मैं यहाँ पर वैसे थोड़ा सामान रखूंगा और इसको सिलाई करेंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति टीना देना पड़ेगा तो पानी उस तरफ गिराने के लिए। और 4 इंच का कील खत्म हो गया, कल सुबह लाना पड़ेगा, सुबह ही जाएंगे वो कील लाने के लिए। और यहाँ पर भी बना रहे हैं तो लकड़ी काफ़ी चाहिए मुझे लगता है, फिर से लकड़ी खरीदना पड़ेगा। जस्ट 4-5 दिन पहले मैं 9,500 का लिया था, और भी जरूरी होगा शायद यहाँ पर लकड़ी, उसको बंद करेगा हमेशा। लकड़ी का घर गैस, लकड़ी का घर, और ये तो खाल से ही साथ होगा ये। स्ट्रांग है, इसको भी बंद करने वाला है, इसको सेम ऐसे इस प्रकार बस बंद करेंगे, हो गया। और दरवाज़ा बनाएंगे, उसके लिए शायद दूसरा आदमी हायर करना पड़ेगा या पता नहीं, इससे पूछना पड़ेगा आता है कि नहीं आता है दरवाज़ा के लिए। डायरेक्ट बन बन, हमारा गरवा बनाता नहीं, और पता नहीं कितने दिन लगेगा, ये तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस टोपी को एक साथ पहन देना है और कुछ नहीं करना है। और भाई प्रियंका जी, ये तुर्की बेरी जंगल से खुश के लेके आए हैं, अभी इससे बनाते हैं चटनी। यहाँ पर है बेम्बू सोट, मिक्स करेंगे अभी, खाना मिलाएंगे और खाएंगे। तो दोस्तों फाइनली खाना भी खा चुके हैं, और खाना खाने के बाद फिर से अपना घर को घूम के देखते हैं भाई। ये है भाई, ऐसे तो पूरा सफाई करना पड़ेगा, और बन चुके हैं कम्प्लीटली, और दरवाज़ा को भी बढ़ना पड़ेगा दरवाज़ा। तो छोटा सा रूम है ये, बस कचरा वगैरह रखने के लिए, और ये कल से बनेगा छत, उसके बाद देखते हैं कहाँ बनता है। और यहाँ पर छेद हुआ को बंद करना पड़ेगा, छेद को, ये वाला छेद को बंद करना पड़ेगा, और यहाँ से तो पूरा आसमान देखा रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को अभी फिनिश करते हैं ना, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नया वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस, बढ़िया से रहना, परफेक्ट करना खाना, और खूब इंजॉय करना। तो बाय, अरे 2-3 बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोले, बिल्कुल पागल की तरह।